क्या सर? हाँ समर, हाँ ऊपर ही हूँ, आ जा। ऑल राइट अंकल आंटी। अब जब आपने तय कर ही लिया है तो ठीक है, लेकिन सगाई बड़ी धूमधाम से होगी और डेट हमारे पंडित जी तय करेंगे, हमें कोई एतराज नहीं। कुछ खाओगे भी या करण को ही देखती रहोगी? नहीं थैंक्स। हाय करण। हाँ समर, मामा समर वो असिक नगर वाले प्लान्स लेकर आए, यू वांट सी देम राइट नाउ? प्लान दिखाओ समर। आंटी यही वो प्लान है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। लेकिन रास्ते में असिक नगर पड़ता है, यानी कि पूरा झोपड़पट्टी का एरिया, तो इसको यहां से जोड़ने के लिए इसको हमें हटाना पड़ेगा। अच्छा प्रेमदा जी, अब हमें इजाजत दीजिए। अंकल करण, मेहमानों को बाहर तक छोड़ के आए जी। हाँ समर, आगे। अगर हम यहाँ से इस रोड को जोड़ते हैं। प्रेमवता, हम भी चलते हैं, तुम अभी काफी बिजी हो, हम बाद में मिलेंगे। बाय ऋषि। अच्छा नताशा। हाँ समर, आप क्या कह रहे थे? तो हम इस शॉपिंग मॉल को अगर यहाँ ले समर, ये प्लान आप यहीं छोड़ जाएं, हम बाद में देख लेंगे। जी ये अचानक तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? अचानक कुछ हुआ है? ऐसी भी क्या बात हो गई? करण को आने दीजिए, मैं उसी के सामने बताऊंगी। माँ, प्लान अच्छा है ना? असिक नगर में शॉपिंग मॉल नहीं बनेगा। गरीब भूखे और लाचार लोगों के घर नहीं तोड़े जाएंगे। ये अचानक असिक नगर के लोगों से इतनी हमदर्दी क्यों? गरीबों के प्रति हमदर्दी जताना कोई गलत बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गरीबों के प्रति हमदर्दी जताना बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन अपने भाई के खिलाफ जाना गलत है। अगर भाई खुद गलत हो तो उसके खिलाफ जाना कोई गलत बात नहीं है। कृतिका, 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 कुछ कहने से पहले एक बार सोच लिया करो। असिक नगर हटेगा, वहां हाईवे बनेगा और शॉपिंग मॉल भी बनेगा, ये मैं तय कर चुका हूं। असिक नगर में एक घर भी नहीं टूटेगा, ये प्रण मैं कर चुकी हूं, बाबा की कसम खा चुकी हूं। तो देखते हैं इस लड़ाई में कौन जीतता है, तुम या मैं। कृतिका सुनो, बहस करने से कोई फायदा तो है नहीं ना, ये बात हम लोग प्यार से आराम से कर सकते हैं ना। इस घर में प्यार की भाषा समझता कौन है भाभी? कृतिका क्यों जिद कर रही हो?
जानती हो ये करण के एक ड्रीम प्रोजेक्ट में से है। क्यों जिद कर रही हो? क्यों जिद ना करो? बेटी हो इसलिए, और बेटे को कुछ भी करने का हक है। मैं पीछे नहीं हटूंगी, जिसे जो करना है कर ले। कृतिका, हमारी बात समझने की कोशिश करो। ऋषभ और तुम्हारे रिश्ते की वजह से हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम जानती हो, तुम्हारे पापा कहते थे कि बेटी के बगैर घर सूना होता है। बेटी ही तो घर की लक्ष्मी होती है। तुम्हारे पैदा होने से पहले हम विद्याचल पहाड़ पर बसी देवी के पास गए थे मन्नत मांगने। हे देवी, हमें एक बेटी दे दीजिए। तुम्हारे होने के बाद जो जश्न हुआ था वो यादगार था। आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे जन्म देकर आपने एहसान किया है मुझ पर, और आज उस एहसान का मुआवजा मांग ली है। कृतिका, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं कोई बच्ची नहीं हूं। आप समझना चाहती ही नहीं है, गलत रास्ते पे जा रही हैं आप। लेकिन हमारे होते हुए इस घर के सम्मान, मान मर्यादा और स्वाभिमान पर आज हम नहीं आने देंगे। हाँ करण, उन्हें बिठाइए, हम आते हैं। हमारी बात को ठंडे दिमाग से सोचिए, सही लगेगी। क्यों रो रही है? घर में कैसे झगड़े हो रहे हैं? तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। मैं अपने उसूलों और आदर्शों के लिए लड़ रही हूं। तू ही बता, क्या इसके बिना जिंदगी का कोई मकसद है? ये उसूल, ये आदर्श हमेशा परिवार के खिलाफ क्यों होते हैं? कृतिका, एक बार रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे भरना बहुत मुश्किल होता है। प्यार के लिए किसी ना किसी को तो झुकना पड़ता है ना। तो क्या चाहती है? मैं अपने उसूलों के खिलाफ घुटने टेक दूं, हार मान लूं? कृतिका, बात हार की नहीं है, प्यार की है। परिवार प्यार से बनता है, दुनिया प्यार से जीती जाती है, तकरार से नहीं। सपने और हकीकत की दुनिया अलग अलग होती है कृतिका। मैं तुम्हें हार मानने को नहीं कह रही हूं, उम्मीद छोड़ने को भी नहीं कह रही हूं। मैं तो सिर्फ प्यार ना छोड़ने को कह रही हूं। तुझे किसी की नजर ना लगे। चल कहीं घूमने चलते। इतनी रात में क्यों? डर लगता है? डर और मुझे। चल चल चल, क्या हुआ बेटा, सर दर्द है? बैठो। हिंदू, ये रिश्ता ना ही हमारे लिए ठीक है, ना ही हमारी बेटी श्वेता के लिए। दूसरों के पंख के बल पर उड़ने से मंजिल नहीं मिलती। किसी ने तुम्हारे एक्सपर्ट कमेंट्स नहीं मांगे? एक्सपर्ट कमेंट नहीं है, ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। तो आप क्या चाहते हैं? राह चलते किसी भी लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दो? करण चीफ मिनिस्टर का बेटा है और संबंध बराबरी वालों के बीच में होता है। सीएम के यहां मैं अपनी बेटी का कोई भविष्य नहीं देखता।
तो अपनी आंखें चेक करवा। मेरी समझ में नहीं आता है हर बात में तुम्हें कोई ना कोई कमी क्यों नजर आती है। अरे आज वो सीएम का बेटा है, कल सीएम बन जाएगा, लोग उससे बात करने को तरसते हैं, और तुम गॉड प्लीज स्टॉप इट। आप लोग प्लीज चुप रहेंगे। और सुनो, मेरी किसी भी बात पे टांग मत अड़ाना, कान खोलकर सुन लो। श्वेता और करण की शादी होकर ही रहेगी और तुम अपनी राय अपने पास ही रखना। शर्मा जी दरवाजा खोलिए। देखिए आप ऐसे बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्यों? मेरा मतलब है विदाउट फोर्स मैडम, पहले मैं आपके लिए फोर्स का बंदोबस्त करता हूँ फिर आप जाइए। अब दरवाजा खोलिए ना, हम तो ना सस्ता सामान लेने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेल। हाँ हाँ वही सेल। मैडम आपको मालूम तो है ना। शर्मा जी दरवाजा खोल दीजिए, वरना हो सकता है कि दरवाजा खुलवाने के लिए हमें फोर्स बुलानी पड़े। हाँ। लेकिन लेकिन मैडम प्लीज, लेट हो रहे हैं हम लोग, जल्दी से प्लीज। अच्छा, फास्ट। थैंक यू। देख कितना मजा आ रहा है, तू आने को तैयार ही नहीं थी। कर हाथ छोड़ के देख। अच्छा तू कर देख कितना मजा आएगा, करके तो देख कृतिका। ये थोड़ी देर में एक जरूरी काम है, उठा ले इसको। तेल तो है ना? हाँ तेल है। तेरे खटारा मोटर की तरह मौसम भी साथ नहीं दे रहा। अच्छा तो है मौसम। खाक अच्छा। अच्छा सुन, वहाँ शायद एक टेलीफोन बूथ है, तू रुक यहाँ पे, मैं देख कर आती हूँ। अच्छा ठीक है तू जा, मैं हूँ यहाँ पे, जल्दी आना। लेकिन मैडम मैं कोई मदद करूं आपकी? कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी खराब हो गई? नहीं। कृतिका करी है ना, कहाँ है तू? गायत्री देख बहुत हो गया। हाँ गायत्री, Get up!
गायत्री